बयान की अशोक गहलोत सरकार आम जनता और कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए हर समय तत्पर रही है। इस कड़ी में सूबे की मुखिया और उनकी टीम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जब राज्य में लागू नई पेंशन प्रणाली में कई दिक्कतें आने लगी और राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग शुरू की, ऐसे में सीएम गहलोत ने उनकी जायज मांग को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रही। राज्य बजट में सीएम गहलोत ने ओपीएस की मांग पूरी करने की घोषणा भी की। इससे कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल नजर आया। यही नहीं, दूसरे राज्यों के कर्मचारी संगठन भी अपनी सरकार से गहलोत सरकार की राह पर चलने की मांग करने लगे। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की राय और उनके प्रयासों का जिक्र एक अखबार में प्रकाशित आलेख में किया गया और खुद सीएम गहलोत ने इसे ट्वीट कर शेयर भी किया। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय, पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दिए। क्योंकि मैंने नोट किया कि जिंदगी में आदमी देखता है मैं फ्यूचर में सेफ ओल्ड एज के अंदर, और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला, और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाई उस जमाने के अंदर, अभी जो बढ़ता रहा लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपी सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए, पेंशन फिर DSR बढ़ता है पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। इसमें सीएम गहलोत ने अपनी राय और मंशा जताते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य को भली भांति जानती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी इसी तरह की रही है। हम चाहते हैं कि जनता और राज्य कर्मचारियों की सेवा में कोई कसर बाकी न रहे। गहलोत की मंशा है कि एक सरकारी कर्मचारी 30-35 वर्षों तक सेवा करता है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से ही बचा हुआ जीवन गुजारता है। ऐसे में राज्य की हर सरकार का यह कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी सुरक्षा की भावना के साथ जीवन निर्वाह करें। इससे वे भी सुशासन में मूल्यवान योगदान दे सके। गहलोत के अनुसार 1972 में लागू की गई पेंशन योजना को दिसंबर 2023 में केंद्र की अटल बिहारी सरकार ने खत्म कर दिया और उसकी जगह 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली लागू की गई। इससे राज्य कर्मचारियों को नई पेंशन से समस्याएं होने लगी और फिर देश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग होने लगी। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस साल के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। इस व्यवस्था का कर्मचारी और संगठनों ने भी स्वागत किया है और साथ ही दूसरे राज्यों में भी गहलोत सरकार की पहल पर घोषणा करने की अब मांग उठने लगी है। क्योंकि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और ये नई योजना कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रही। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की गाड़ी कमाई से एकत्रित किया गया पैसा और सेवानिवृत्ति का कोष शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन हो जाता है और शेयर बाजार में छोटी सी घटना को लेकर उथल पुथल मच जाती है। NPS लागू होने के 17 साल बाद भी सुरक्षा की जब गारंटी ना हो तो कर्मचारियों के मन में वृद्धावस्था के समय असुरक्षा का डर सताने लगता है। इसीलिए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का खास निर्णय लिया। अपनी इस राय में सीएम गहलोत ने वर्तमान में जारी रूस यूक्रेन की जंग का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि इस जंग से शेयर बाजार जब औंधे मुंह गिरा है तो कर्मचारियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी, उनकी सामाजिक सुरक्षा पर जोखिम के बादल मंडराने लगे और जब किसी कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वो पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर सकता और वो राज्य के सुशासन में पूरे मन से योगदान भी नहीं दे सकता। ऐसे में हमारी OPS योजना कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्साह को बढ़ाने का काम करेगी। राजस्थान में OPS की घोषणा राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। इसे लेकर कई संगठनों ने सूबे के मुखिया का स्वागत कर उन्हें फूलों से लाद दिया। सीएम गहलोत ने सरकार की इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्लानिंग शुरू कर दी। हालांकि इसे राजस्थान कांग्रेस के मिशन 2023 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसे लेकर अंदर खाने से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जीत की जमीन तैयार करने के लिए जरूरी है मैदान में पहले से जीतने का सामान हाथ में हो तो चुनावी रण में हम ही बाजीगर कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।